नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, खूबसूरत हिमाचल का जब जिक्र होता है कहीं भी तो लोगों का मन करता है कि इन सुंदर वादियों में वो जाके आए, घूम के आए। पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल का एक अलग स्थान है देश विदेश में, और इस बार में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, और उसके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? इस बार आपको हेली टैक्सी की सेवाएं मिलेंगी ज्यादा, धर्मशाला एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी या 7 फ्लाइट वहां से वो जुड़ रही है, तो और सड़कों की हालत भी जो नेशनल हाईवे है उनमें अच्छी हो रही है। तो पर्यटन में कई मुद्दे हैं, इस पर्यटन व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जीडीपी में डायरेक्टली तौर पे 7.7 इसका योगदान है, और इनडायरेक्ट देखें तो हर कोई जुड़ा है इस पर्यटन व्यवसाय से, और लगभग 14 से 17% तक इसका योगदान रहता है, और सरकार की जीएसटी कलेक्शन में भी एक इसका अहम रोल है। सरकार की तरफ से इस बार एडीबी का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया है जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है टूरिज्म के क्षेत्र में, और सरकार ब्यास नदी में शिकारे और मोटर बोट वगैरह शुरू करने जा रही है, और नादौन में भी एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने जा रही है। ये सब मुद्दे हैं। रूरल टूरिज्म का भी इसमें इस बार धर्मशाला में एक रूरल टूरिज्म विलेज बनाने की भी घोषणा हुई है। तो इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशिभूषण शर्मा जी और टूरिज्म के एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब नमस्कार। टूरिज्म के एक्सपर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यटन के प्रवक्ता डॉक्टर अमरीक सिंह ठाकुर जी, और पर्यटन व्यवसाय को, नमस्कार अमरीक जी, पर्यटन व्यवसाय को लंबे समय से उससे जुड़े और एक अलग मुकाम हासिल करने वाले नरेंद्र भारद्वाज जी। नरेंद्र जी आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। पर्यटन व्यवसाय एक प्रदेश की एक रीढ़ है, और मौजूदा सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो हमारी राजनीतिक राजधानी मानी जाती है कांगड़ा, उसको इस बार हम पर्यटन राजधानी बनाएंगे, और सारा दारोमदार एडीबी की परियोजना पे है जो वित्त पोषित हुई है 2000 करोड़ के करीब की, उसके ऊपर सारा दारोमदार है। लेकिन कनेक्टिविटी एक मेन समस्या है। हालांकि पवन हंस की एक सेवा शुरू हुई है, आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो चल रही है, लेकिन शिमला अभी भी हवाई सेवाओं से छूटता है, रोज की एक फ्लाइट उड़ती है लेकिन वो भी मौसम पे निर्भर करती है। तो पर्यटन के साथ हर किसी को जोड़ने की क्या कवायद है सरकार की, इस पे जरा प्रकाश डालें। देखिए डॉक्टर बथरिया, हम एक पर्यटन राज्य है, कुदरत ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोल के दिया है, सब कुछ लुटा दिया है। जहां तक प्राकृतिक सौंदर्य की बात है, पूरा प्रदेश उससे लबरेज है, चाहे वो हल्के मैदानी इलाके हों, फुट हिल्स हों, मिडल हिल्स हों, हायर हिल्स हों, और बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र भी क्यों ना हो, चाहे कोल्ड डेजर्ट भी क्यों ना हो, चाहे झीलें क्यों ना हो, चाहे देवदास क्यों ना हो, क्या कमी कुदरत ने रखी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का विकास होना चाहिए था पर्यटन के क्षेत्र में, वो नहीं हो पाया है। इसको मैं कहूं कि सरकारों ने उस ढंग से नहीं लिया, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस क्षेत्र के महत्व को उस कदर नहीं समझा जिस कदर होना चाहिए था। हम कह तो रहे हैं कि स्विट्जरलैंड है, ये मिनी स्विट्जरलैंड है, ये फलां जगह ऐसी है, तो मेरा भाव ये है कि वो अब समय बहुत निकल चुका है। अब जो भी सरकारें आई, जैसे अभी आपने कहा कि नई सरकार ने, ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने कहा कि कांगड़ा को हम एक पर्यटन राजधानी बनाएंगे, और जैसे आपने कुछ और चर्चाएं भी की हैं, सरकार के इनिशिएटिव्स तो आपने बताए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतने सालों में, जैसे आपने भी कहा, हमारे जितने भी हवाई अड्डे, चाहे शिमला हवाई अड्डा है, चाहे भुंतर कुल्लू वाला हवाई अड्डा है, चाहे कांगड़ा गगल एयरपोर्ट है, वहां हुआ क्या है, वहां की स्ट्रिप्स कहां तक बढ़ पाई हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। वैसे बल वाला हवाई अड्डा जो ठाकुर जयराम पूर्व मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हम कहते हैं, वहां भी अभी तक क्या हुआ है, कोई ईंट तो लगी नहीं है। करके कुल मिला के हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा, और जिस चर्चा के लिए आप, मैं कहता हूं ये चर्चा बहुत ही सार्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए और कई बार होनी चाहिए ताकि सरकारें जागें। मैं तो ये भी कहूंगा कि ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक गरीब राज्य तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज कम है,
कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ करने को यहाँ पे है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से हमारा स्टेट छोटा सा स्टेट है जिसमें संसाधन कम है, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास भी कम है। क्यों नहीं हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसमें लाते, चाहे वो हवाई सेवाओं की बात क्यों ना हो, इनको लाइए और जितने भी हमारे वर्जन एरियाज है उनको भी बढ़ाइए ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए, उनका स्टे ज्यादा हो। इस बारे में सोचने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, ये भी अपनी राय देंगे। जी राज, जी नरेंद्र भारद्वाज जी, आप लंबे समय से इस व्यवसाय में हैं और आपने बड़ी करीबी से देखा है कि पर्यटन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस व्यवसाय को क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। आंकड़ा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, कोरोना से पहले 2.25 करोड़ के करीब आते थे, ठीक है, वो कम होते होते 30 लाख पे आया कोरोना, फिर 50 लाख पे आया, फिर अब पिछले साल लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक आए हैं। इन पर्यटकों का आंकड़ा कैसे बढ़े, इनके लिए सुविधाएं सरकारी और प्राइवेट तौर पे कैसी हों, तो इस पे आपने अब तक क्या अनुभव किया और क्या कमियां रही हैं। जी पथरिया जी नमस्कार। सबसे पहले मैं नमस्कार। आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको वार्ता के लिए बुलाया। सर, अगर हम हिमाचल की बात करें, अभी डॉक्टर शशि भूषण सर ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत खूबसूरत राज्य है और इस राज्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड ना करके स्विट्जरलैंड से भी इसको ऊपर की बातें कहूँगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे किन्नौर स्पीति के डिफरेंट डेजर्ट से हाइट काफ़ी ऊंची ऊंची हमारे पास चोटियां हैं। अगर हम मनाली की टूरिज्म को देखें, हमारे पास पैराग्लाइडिंग की अच्छी साइट्स हैं, रिवर्स हैं, हमारे पास स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स है वो हमारे पास है। धर्मशाला का अगर हम सेक्टर देखें, धर्मशाला, चिंतपूर्णी, आपका ये ऊना ऊना वगैरह देखिए, यहाँ पे हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत अच्छा चल सकता है। देवियों का जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छा चल सकता है। चंबा का कल्चर भी एक प्रकार से हम सेल कर सकते हैं। आपने जैसे बात कही सर, जो हाईएस्ट टूरिज्म हमारा गया था वो 2015-16 में 1.96 करोड़ के आसपास का जो टूरिज्म है हिमाचल में आया था। उसके बाद 2017-18 में थोड़ा सा कम हुआ, 18-19 में और भी कम हुआ जैसे आपने बताया। उसके बाद कोविड की वजह से जो है सर बिजनेस नहीं रहा, अब धीरे धीरे पिक कर रहा है बिजनेस। लेकिन मैं सर इस वो चाहे 2015-16 के टूरिज्म की बात करें कि हम लोग 2 करोड़ के आसपास पहुंचे टूरिज्म में, जो हमारे हमारे जो लोग हिमाचल में आए, मैं सर उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये फिगर डबल भी हो सकता था। हमारे पास सर रिसोर्सेज की कमी है। अगर हम कश्मीर की बात करें सर, श्रीनगर एयरपोर्ट से 25 से 28 फ्लाइट जो है उतरती है। एयर कनेक्टिविटी की हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शिमला में एयरपोर्ट देखिए तो कभी फ्लाइट चल रही है, कभी नहीं चल रही, एक फ्लाइट चल रही है। फ्लाइट के नाम से वो यू नो लाइक मीडिया में तो बोल देते कि आपकी 2,500 की टिकट है, 3,000 की टिकट है, लेकिन जब आप उसको बुक करने जाते हैं तो वो कई बार 15,000, 16,000 और 20,000 तक भी जाती है। और आज 21,000 की आ रही थी, मैं देख रहा था आज 21,000 की। मेरा सर ये मानना है कि सबसे पहले तो कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करें, जैसे कि आपकी रेलवे लाइन हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, मतलब मेन मेन जगहों पे, जैसे शिमला के एयरपोर्ट बड़ा होना चाहिए, भुंतर भुंतर का एयरपोर्ट बड़ा होना चाहिए, कांगड़ा कब की मैं बात करता हूँ, कांगड़ा के एयरपोर्ट भी बड़ा होना चाहिए टूरिज्म पॉलिसी से। दूसरी ये मैं बात करता हूँ, कहीं पे भी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा जो हेड ऑफिस है मैं शिमला में, सबसे पहले मैं आपसे शिमला में बात करता हूँ। शिमला में सर सबसे पहले जो स्टे था वो 3 दिन का होता था कि लोग जाते थे, घूमते थे, मॉल रोड है, कुफरी है, फिर 2 दिन हुआ। आज अगर आप एवरेज स्टे देखेंगे सर वो 1.5 दिन का है, कुछ लोग 2 दिन रुकते हैं और कुछ लोग 1 दिन रुकते हैं। हमें शिमला के पास आसपास या कोई चाहे कसौली है चाहे मनाली है उसके आसपास टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना होगा सर। जैसे पथरिया जी आपने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,000 करोड़ रुपया जो है वो धर्मशाला के लिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए आया है, वैसे ही और भी जिलों के लिए है, लेकिन हम ये चाहते हैं सर कि ये ना और भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं और रूरल टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा दें। सर देखिए हमारे पास प्रकृति ने सब कुछ दिया, हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है सर। अगर हम रूरल टूरिज्म की ओर बढ़ावा दें, जैसे होम स्टे की स्कीम है, होम स्टे की स्कीम हमने दे तो दी, मतलब कि 5 रूम तक आप रजिस्टर कर सकते हैं सर, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं। हमारे पास हॉस्पिटल होटल इंडस्ट्री है सर, होटल इंडस्ट्री से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन, हो सके तो फिजिकल भी, पर नहीं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग देके जो होम स्टे वाले लोग जो है आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। जी जी सर,
और अमरीक जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारा एक रूरल टूरिज्म है और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, जिससे कि हम हर किसी को जोड़ पाएं, हिमाचल में चलो होम स्टे एक योजना है, उससे कहीं ना कहीं गांव में टूरिस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसको इन लार्ज स्केल पे, ताकि कम्युनिटी को भी लाभ मिले, जो भी प्रॉफिट हो कम्युनिटी में भी बटे, उसके लिए आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? जी अमरीक जी, हिमाचल को ये किया था प्रमोट जब पूरा विजिबिलिटी दी थी उस तरह से, जैसे नरेंद्र भारद्वाज ने बहुत सारी चीजें कही, और जो आप कह रहे कि कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी आउटरीच कैसे होगा, उसके लिए जैसे यहाँ पे पहले भी स्कीम्स आई है होम स्टे की, जिसका बहुत ज्यादा शोर आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि लोग उसका मिसयूज करके उनको लीज आउट कर रहे हैं, जबकि उसकी जो स्पिरिट है वो नहीं है। होम स्टे का मतलब था कि आदमी घर में रहे, क्योंकि जो अपने नरेंद्र भारद्वाज जी ने बात करी कि भाई हमारा कल्चर बहुत रिच है, वो क्यों आपके घर रहने आएगा होम स्टे में, इसलिए कि आपका कल्चर देखेगा, लाइफस्टाइल देखेगा। जैसे अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है पोस्ट कोविड, उसमें क्या है कि एग्री टूरिज्म, ग्लोबल एग्री नेटवर्क बना है, जी क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी वाला वर्ल्ड बहुत ज्यादा आ रहा है कि सतत विकास, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जी चाइना में पर पर्सन 8-9 हजार ट्री है, रशिया में 4,500 है, और इंडिया में एक आदमी पे 28 पेड़ है। तो उस तरह से जी अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को सस्टेन करना है, तो अभी एक सस्टेनेबल के आगे की एक टर्म्स आई है, रीजेनरेटिंग टूरिज्म, कि जो जी गेस्ट है उसको होस्ट कम्युनिटी का कल्चर भी ये करना है, रिस्पेक्ट करना है, उसका कस्टडियन बनना है। क्यों मैं अपना घर छोड़ के किसी डेस्टिनेशन क्यों जाऊंगा, कि वो मेरे घर से ज्यादा अच्छा है, मुझे अट्रैक्ट करेगा। सबसे बड़ा टूरिज्म का की पॉइंट है, कोई चीज आपको अट्रैक्ट करेगी तभी आप वहां जाएंगे। तो हमें जी अपनी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को सस्टेन करना है, तो उसके लिए एग्री टूरिज्म टूरिज्म से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। एग्री टूरिज्म में क्या है कि आदमी गांव में जाएगा, उसमें हमारे एग्री टूरिज्म एक अम्ब्रेला इंडस्ट्री हो सकता है, सारे जो आप रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, विलेज टूरिज्म की बात करते हैं, या होम स्टे की बात करते हैं, फार्म टूरिज्म की बात करते हैं, उसमें क्या होगा कि वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का फेयर, वहाँ का एक, जैसे मान लो वहाँ क्या एक्टिविटीज हो रही है, फार्म टू प्लेट का कंसेप्ट आता है, जैसे आज जी की डेट में बहुत बड़ा मूवमेंट एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है आज, या आप जो एक इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, जिसको हम पहले कहते थे कि नहीं जी ये तो बहुत गरीब का खाना होता है, जो जिसको मोटे जी अनाज कहा जाता है, बाजरा है, मक्की है, या इस तरह के जितने जी भी जो हाई हाई इंग्रेडिएंट्स थे, उस तरह से एग्री टूरिज्म, जो आपने कहा कि कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा, उसके लिए एग्री टूरिज्म से बड़ी कोई टर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वो क्या होगा, आपके यहाँ आएगा, उसमें तीन चार तरह से हो सकता है, कोई एक्टिव फार्म हो जी सकता है, कोई नॉन एक्टिव हो सकता है, पर आपके गांव से वो प्रोडक्ट लेगा, वहां का लोकल जी आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट, इस तरह से वहां का जो इकोनॉमी है सस्टेन होगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कुल्लू मनाली के जो टूरिस्ट था, तो जी बुटीको अपने आप में आज वर्ल्ड का ब्रांड बना है, वो क्यों बना? जी अगर बिल्कुल टूरिस्ट यहाँ नहीं आता, उसकी बाइंग कैपेसिटी हमारे लोकल की तो बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, पर जब बाहर का टूरिस्ट आता है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ सोविनियर लेके जाना चाहता है, तो जी इसलिए एग्री टूरिज्म एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। और जो आज की डेट में कोविड के बाद लोग मेन सिटी से इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि हम, मैं उसका भी फेवर नहीं करता हूँ कि हमें 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ लोग चाहिए, वो आपके इन्वायरमेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपको अगर, जी हमें चाहिए, हमें चाहिए हाई एंड टूरिस्ट हमारे यहाँ, तो उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करना पड़ेगा? हमने कभी महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल से बाहर जाने की बात नहीं करी, हमने पूरा तमिलनाडु छोड़ दिया, पूरा आंध्रा छोड़ दिया, कर्नाटका छोड़ दिया, जहाँ की कैपेसिटी ज्यादा है। हमारे पास एक दलाई लामा जी है, जिसका पूरी दुनिया में फॉलोअर है, और फॉरेस्ट की जी इतनी रिच मार्केट है, जापान की मार्केट है, कोरिया की मार्केट है, या जितना भी आप यूरोप में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो ये हमारा फेलियर है। उसमें ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अप मार्केट जो क्लाइंट होगा, सेगमेंट जो है, उसको ट्रेवल के लिए आपको एक कंफर्ट देना पड़ेगा, जी मुझे लगता एक्सेसिबिलिटी है क्या अमरीक जी सर? कि गवर्नमेंट का भी फोकस, मुझे लगता है इसीलिए कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का है, कहीं ना कहीं दलाई लामा जी भी फोकस प्रयास है, और एक बहुत बड़ा एरिया, में क्योंकि कितने वहां की की रेल रेंज है, एक्टिविटी,
सबसे अच्छी है, 7 फ्लाइट रोज की दिल्ली को जाती है, 1 फ्लाइट बाया चंडीगढ़ भी जाती है, तो वो सारा दलाई लामा जी के कारण तो है ही है वो चीजें। तो ये मुझे लगता है कि कांगड़ा और कांगड़ा के आसपास के जिलों को इससे एक बूस्ट तो मिलेगा। बहुत सारी चीजें, हम ये जो स्टे की बात कर रहे थे आप, 1.5 दिन का स्टे रह गया यानी कि 1 रात टूरिस्ट रुकेगा, तो इसका इफेक्ट पड़ा है। तो क्या आप सरकार को, आपकी एसोसिएशन कोई सुझाव देगी कि जो एडीबी का प्रोजेक्ट आया है उससे आप आसपास के नए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करें और कोई करें जिससे कि उसको घूमने के लिए टूरिस्ट को समय लगे, तो इस पे आप, आपकी एसोसिएशन कुछ कर रही है? सर हम लोगों ने 2-3 बार पहले जयराम ठाकुर साहब से भी बात करी थी कि जैसे ये डॉक्टर अमरीक ठाकुर जी ने बोला कि हमको रूरल टूरिज्म की ओर, खासकर जो एग्री टूरिज्म की ओर है वो फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि शिमला का स्टे, शिमला में होटल में जब वो पहुंचते हैं उनका होटल में स्टे वहाँ पे करवा दीजिए, उसके बाद वो, मैं सिर्फ शिमला की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टूरिज्म हब की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टे जो है वो कहीं विलेज में दिया जा सकता है, वहां का, वहां के एग्री टूरिज्म से हम लोग उसको अवगत करवा सकते हैं सर। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मार्केट मार्केटिंग में मैं आ रहा हूँ सर उस पर। दूसरी बात सर, जैसे हमारे पास, मैं पहले शिमला से शुरू करूंगा, लाइक वी हैव मशोबरा, वी हैव चैल, कुफरी, इन जगहों पे बड़े पार्क्स बना के, एक्टिविटीज बना के, एक्टिविटीज बना के, ताकि कम से कम जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके और डे स्पेंड कर सके। थर्ड थिंग, कल्चरल शोज सर, नाइट शोज, वो होने बहुत जरूरी है, वो होने बहुत जरूरी है। एक बात जो ठाकुर साहब ने और करी, मतलब मैं उससे बहुत सहमत हूँ, दलाई लामा जी की बात, आपने भी दलाई लामा जी की बात करी सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहे पिछली सरकार थी या वो ये वाली सरकार है, दलाई लामा और बहुत सारे तिब्बती हिमाचल में रहते हैं और बहुत वर्षों से रह रहे हैं, और सरकार क्या दलाई लामा के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि आप हिमाचल के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए हिमाचल टूरिज्म के? वाजिब वाजिब सवाल है आपका। और अगर वो हिमाचल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनते तो पूरी यूरोप की मार्केट, आपकी फार ईस्ट की मार्केट, आपकी यूएस की मार्केट, वो अट्रैक्ट हिमाचल के लिए होगी। सर मैं एक आपको बड़ा सैड फिगर देता हूँ कि हमारे पास जो पहले जो फॉरेनर्स आते थे उससे 50% रह गए सर, 6 लाख तक हम लोग पहुंच गए थे, और 2018-19 में सर 3 लाख तक जो, मतलब हमारे पास जो फॉरेनर क्लाइंट्स है वो आए हैं। रीजन बीइंग मार्केटिंग नहीं है, और सर दलाई लामा एक इतने बड़ी शख्सियत है यूरोप और यूएस में, मतलब कि अगर ये एक ब्रांड एम्बेसडर हिमाचल के लिए आ जाए कि कम टू हिमाचल, एक्सपीरियंस हिमाचल, तो हमारा हमारा जो क्वालिटी टूरिस्ट भी आएगा, पैसा खर्चने वाला टूरिस्ट भी आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सही करने की जरूरत है ये सर जी। और डॉक्टर साहब, ये जो अभी गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी जो केंद्र की योजना है उससे हेलीकॉप्टर तो चलाए हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि शायद कोरोना का इफेक्ट हो कि वो चले लेकिन वो खाली चलते रहे, कभी एक पर्यटक मिला कभी खाली भी चला, तो सरकार या तो मार्केटिंग में दिक्कत है ना कहीं दिक्कत है, तो सरकार को इस पे कुछ तो विचार करना चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, बात बड़ी क्लियर है कि सरकार को एक मुख्य भूमिका में आना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर भी मैक्सिमम अपनी कोशिश कर लेगा, क्योंकि हमारा जो ये टूरिज्म है, पर्यटन है, ये सीधे सीधे स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ा हुआ है। जी, हमें तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, कहीं हमारे नौजवानों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करके, उनको पूरा एक तरीके से बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके। ये ठीक है कि हमको गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक मुख्य भूमिका में आना पड़ेगा। नई सरकार भी कह रही है, पिछली सरकार भी कहती रही है कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे, भाई रोजगार तो लिमिटेड ही है, चाहे सरकारी क्षेत्र में कितने रोजगार देंगे, तो रोजगार के अवसर तो पैदा करने ही पड़ेंगे ना। तो हमारे पास एक खुला, बहुत बड़ा खुला क्षेत्र पड़ा है टूरिज्म का, तो उसको कर सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट अभी कह रहे थे, जिसमें एग्री टूरिज्म की भी हमारी बात हुई है, दलाई लामा जी को लेकर भी बात हुई है, इवन बुटीको का डॉक्टर मरीक ने कहा, बिल्कुल वो ब्रांड बन गया लोकल, और रूरल आर्टिजन वो खड्डी पे काम करते हैं, बिल्कुल ब्रांड है। ऐसे इस तरह के ब्रांड्स और बाकी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स आगे बनने हैं, जो उनकी प्रोसेसिंग होनी है, ये भी टूरिज्म में जोड़ा जा सकता है, शायद डॉक्टर अमरीक भी मानेंगे,
और भारद्वाज जी आप भी मानेंगे कि भाई अगर हम अपने इन प्रोडक्ट्स को इन रंग से भी अगर बेचेंगे तो उससे कई चीजें हो जाएगी कि वहां आदमी रह भी रहा है गांव में जाके, हमारे क्यूसीन को भी एंजॉय कर रहा है, हमारी हमारा जो रहन सहन उसको देख रहा है, हमारे धर्म को देख रहा है, हमारे कल्चर को देख रहा है, और जो भी हमारे मंदिर हमारी देव संस्कृति को देख रहा है अट्रैक्ट होगा। और फिर लिप सर्विस भी होती है, एक बार चीज स्ट्रीमलाइन हो जाए बन जाए। और अमरीक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो बाहर से अगर किसी को आना है, हायर टूरिस्ट को भी आना है, तो उसके लिए हवाई सेवाएं, उसके लिए मोबिलिटी, उसके लिए कनेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर सरकार के वश में नहीं है तो उनको बाहर निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि कौन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो आके हिमाचल को इसमें मदद करें, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार एक तरह का थोड़ी है कि भाई स्टे का रोजगार नहीं है, बिल्कुल वाइड उसमें जो है हमारे को डाइवर्सिटी कहते हैं कि विविधता लानी पड़ेगी, कुल मिला के ऐसा करेंगे तब बात बनेगी। और सरकार को बहुत अहम रोल निभाना पड़ेगा, एक आगे चल के एक नोडल एजेंसी के रूप में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। जी अमरीक जी, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक जुमला ही साबित हुआ है। जयराम जी ने कहा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूरे 5 साल कागजी काम होता रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बदली तो बात चली कि इसको जो सेंटर प्लेस है जाहू में, और वहां पे लैंड एक्विजिशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे किया जाए। तो फिर से दोनों पार्टियां उसमें भिड़ गई। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब सुक्खू जी जब मंडी के दौरे पे, तो उनको कहना पड़ा नहीं हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ये रोलिंग स्टोन तो नहीं बन जाएगा। डॉक्टर साहब, जो ये वाली अपना बल वाला एयरपोर्ट है, उसकी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं है, वो तो एक व्यक्तिगत जिद के कारण हो सकता है कि किसी ने जिद पकड़ ली हो। एक जो देश की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जिस बॉर्डर इसमें रहते हैं तो वहां पर डिफेंस को लेकर बहुत। पर मैं कहता हूँ कि एक जाऊ जो सेंट्रल हिमाचल में है, जो सारे इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एपिसेंटर हो सकता है, ऊना के लिए भी, मनाली के लिए भी, धर्मशाला के लिए भी, शिमला के लिए भी, मंडी के लिए भी, और किन्नौर वाले एरिया के लिए भी। पर वो किसी इनके कारण कहो या कोई बाल हट का हो या कुछ भी कहो, राज हट कहो, उस वजह से वो बलि चढ़ गया है। पर हिमाचल में आज नहीं तो कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है, चाहे आप सामरिक कारण से कहो या व्यवसायिक कारण से कहो। पर जाऊ से बढ़िया कोई चीज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मित्र अपने अश्विनी लोहानी जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हो रहे हैं, मेरा अकाउंट वो हो गया, उन्होंने मुझे इनबॉक्स करके कहा था कि आपकी फिजिबिलिटी ना को कांगने धार थी एक शायद पहले, उसके बाद बल आया, उसके बाद कहीं और आया, पर जाऊ से बढ़िया कुछ भी नहीं है। वहां ना डिस्प्लेसमेंट होगी ना माइग्रेशन होगा, और लैंड की बहुत बड़ा एक चेक वहां पर। सबसे बड़ी बात है कि वो सेंट्रली लोकेटेड है और फिजिबल है। जैसे जो एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट पर भी शायद पालमपुर में एक और आया, क्योंकि पालमपुर को आईटी हब बनाने की सरकार के नहीं, वहां वहां पे अमरीकी हेलीपोर्ट की बात चल रही है, वो एयरपोर्ट नहीं, वो हो भी गया शायद पालमपुर यूनिवर्सिटी से लैंड के, उनके पास काफी बड़ा लैंड का है। एक्सेसिबिलिटी तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, क्योंकि अदरवाइज तो आपने देखा होगा मंडी और मनाली के बीच 12-12 घंटे हाईवे बंद रह रहा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि टूरिस्ट के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए जितना जल्दी सब लोग अपनी हट छोड़ के एक मतलब जो मैकेनिकल फिजिकल इंजीनियरिंग वे से फिजिबल एयरपोर्ट का जो लोकेशन है उस पे आएंगे, प्रदेश का भला भी होगा, देश का भला भी होगा, और देश प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। जी नरेंद्र जी, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात अभी अमरीक जी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आ जाता है आने वाले समय में, तो आपको लगता है कि हिमाचल एक पूरे विश्व में अच्छे से मार्केट हो पाएगा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका कितना लाभ मिल पाएगा, इस पे आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है? सर बिल्कुल, रेल कनेक्टिविटी भी बढ़े, रेल कनेक्टिविटी बढ़े। देखिए सर, ऐसा है किसी भी बिजनेस के लिए, मैं सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी सबसे बड़ी बात है। अगर एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी बनेगी तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, ये तो कंफर्म बढ़ेगा ही। और दूसरी बात, जो ठाकुर साहब ने एक चीज़ बोली थी, डॉक्टर साहब ने, कि हमको क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए। सर क्वालिटी टूरिस्ट तभी आएगा जब वो बाय एयर आएगा, बिकॉज क्वालिटी टूरिस्ट हिमाचल में क्यों नहीं आ रहा?
दैट इज द मेन रीजन. रीजन है आपका, वो इतने धक्के नहीं खाता कि दिल्ली से जो है 8 घंटे या 4 घंटे चंडीगढ़ से यहाँ पे आने की आए, या मनाली के लिए उसको 8 से 10 घंटे लग रहे हैं. तो निश्चित निश्चित रूप से एयरपोर्ट अगर बनता है तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म के साथ साथ रोजगार बढ़ेंगे. जी धन्यवाद. आप चर्चा सुन रहे थे हिमाचल पर्यटन पे, और इसमें अब सरकार ने एक नया संकल्प लिया है और सहारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की के प्रोजेक्ट का. उसके तहत एयर कनेक्टिविटी भी सुधरेगी, रूरल टूरिज्म पे, कम्युनिटी टूरिज्म पे काम होगा, जल क्रीड़ाएं शुरू होंगी. तो हिमाचल में कहीं ना कहीं एक ही पहाड़ है, बर्फ है, मरुस्थल है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी थी कि वाटर एक्टिविटी नहीं है. उसके लिए भी अब ब्यास नदी में कुछ चीजें शुरू होने जा रही हैं. मुख्यमंत्री जी के अपने ही क्षेत्र में एक सेंटर बनने जा रहा है और बिलासपुर में भी बनने जा रहा है. तत्तापानी में भी शुरू हो रहा है. तत्तापानी बहुत अच्छा है. जी जी तत्तापानी में ये चीजें चल रही है. तो आप सबने चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद सर. धन्यवाद डॉक्टर साहब. धन्यवाद.